अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चावल की खीर। इसको बनाने के लिए चीज़ें हमें चाहिए। 1 लीटर मैंने दूध लिया, बादाम 2 टेबलस्पून के बराबर चाहिए, किशमिश भी 2 टेबलस्पून लिया, 3 से 4 अदद हरी इलायची, 1/2 कप चीनी, 2 टेबलस्पून पिसा हुआ नारियल और 1/4 कप मैंने बासमती राइस लिए। इनको मैंने 1 घंटे के लिए भिगा कर रखा था और इसका पानी निकाल दिया है। चावल की खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने चावल मिक्सर में डाल के पीस लिए हैं। खीर बनाने के लिए मैंने देशके में दूध डाल दिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया। दूध पे अब हम चावल डाल देंगे। चावल डाल के चम्मच से अच्छी तरह से हम हिलाएंगे और इसके साथ ही हम इलायची भी डाल देंगे। यहाँ पे मैंने बिल्कुल हल्की आंच कर दी है और साथ में चम्मच हिलाते जाएंगे। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, चावल हमारे अच्छी तरह से गल गए हैं। इसको मैंने कॉन्टिन्यूसली हिलाया साथ में ताकि नीचे ना लग जाए। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी डाल के इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। अब मज़ीद हम खीर के गाढ़े हो जाने तक पकाएंगे। फ्लेम हमने लो ही रखना है। खीर को मैंने मज़ीद 12 से 13 मिनट के लिए पका लिया। खीर हमारी गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है और अब हम इसमें डाल देंगे किशमिश। किशमिश के साथ ही हम डाल देंगे बादाम, थोड़े से गार्निशिंग के लिए रख लेंगे, और थोड़ा सा हम नारियल डाल देंगे 1/2। अब इन सब चीज़ों के साथ इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे और मज़ीद तकरीबन हम 5 मिनट तक इसको पका लेंगे। खीर हमारी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं कि कितनी गाढ़ी हो गई है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे, इसको ठंडा करके डिश आउट कर लेते हैं। हमारी चावल की खीर रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।